नेशन और मैं हूँ शुभ आपके साथ। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि धरती के भगवान को सल्यूट करने का दिन। यह खास दिन उन तमाम डॉक्टर्स को समर्पित है जो न सिर्फ मरीजों का इलाज करते हैं बल्कि उनको एक नया जीवन दान भी देते हैं। डॉक्टर्स डे मनाने के पीछे एक बड़ा कारण है। दरअसल यह दिन एक वरिष्ठ चिकित्सक को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, और वो वरिष्ठ चिकित्सक बिहार के ही रहने वाले और जन्मे हुए चिकित्सक थे, जिनका नाम विधान चंद्र रॉय है। वो कोलकाता के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और चिकित्सक के रूप में कोलकाता में ही कार्यरत थे। विधान चंद रॉय का जन्म 1882 में बिहार के पटना जिले में हुआ था। कोलकाता में चिकित्सा शिक्षा पूर्ण करने के बाद डॉक्टर रॉय ने MRCP और FRCAS की उपाधि लंदन से प्राप्त की। 1911 में उन्होंने भारत में चिकित्सकीय जीवन की शुरुआत की। इसके बाद वे कोलकाता मेडिकल कॉलेज में व्याख्याता बने, वहां से कैंपबेल मेडिकल स्कूल और फिर कार्मेल मेडिकल कॉलेज गए। उनकी ख्याति एक शिक्षक एवं चिकित्सक के रूप में कम बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ज्यादा जानी जाती है। दरअसल वो महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल भी थे। भारतीय जनमानस के लिए प्रेम और सामाजिक उत्थान की भावना डॉक्टर राय को राजनीति में ले आए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और बाद में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद को भी संभाला। डॉक्टर रॉय को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। मौजूदा समय में व्यावसायिकता की अंधी दौड़ में शामिल हो चुके चिकित्सकों को अब अपने पेशे को होकर चिंता सताने लगी है, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनका डॉक्टर पेशे के रूप में सेवा भाव अब भी जिंदा है। उन्हें फिर पुराने समय के लौटने की उम्मीद है। शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों का मानना है कि पुराने दिनों में हर फील्ड के लोग रुपए कमाने की अंधी दौड़ में शामिल होते थे, लेकिन डॉक्टरी पेशा इससे अछूता था। वर्तमान में हालत कुछ और ही है। इसके अलावा शासकीय सेवा से जुड़े डॉक्टर भी सीमित संसाधनों के बाद भी अपने कर्तव्यों को ईमानदारी के साथ पूरा कर रहे हैं। यह दिन यह विचार करने के लिए है कि डॉक्टर हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। नमस्कार, ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।